ये पड़ोसियों के घर जाती है शहनाज नामी बंदी, और वहां से तकरीबन 20 तोला सोना जो है वो चुरा लेती है हमसायों का। इनसे बच के रहे, कौन आपको कहाँ बैठ के डस ले, कोई कितना आपके करीब हो के आपको ऐसी जरब लगाए कि आप उसे जनाब उठा ना जाए बाद में, तो खुदारा अपने आप को बचाएं, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, बर्ताव करें, लेकिन उनको इतना भी जो है अपने अंदर इन्वॉल्व मत करें कि उनको पता हो कि आपकी ज्वेलरी जो है खासकर फलानी जगह पर पड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नाया बदर। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसा हैरानकुन मज़ाइका खेज और ऐसा शर्मनाक भी कह सकते हैं आप वाकया बताने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी मंजर आम पे आई है कि आप भी सुनेंगे, आप हैरान भी होंगे, आप हंसेंगे भी और आप परेशान भी होंगे कि क्या ऐसा होता है। जनाब, कहानी कुछ ऐसी है कि लियारी के इलाके बगदादी में एक औरत शहनाज, जिसका नाम है, वो अपनी नेबर्स यानी कि अपने पड़ोसियों के घर में उसका आना जाना था और काफ़ी अच्छी बाउंडिंग हो गई उसकी अपने नेबर्स में। और जब आप देखें कि जब आप किसी के घर जा रहे होते हैं, जब आपका डेली में को 3-4 चक्कर लग रहे होते हैं आपको, आप जब डेली बेसिस पे जाते हैं आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और किस रंग में पड़ी हुई है, आप जो है कब कहाँ तक आपकी रसाई हो सकती है, आप उसकी आपको पता होती है चीज़ें। अब जनाब, ये शहनाज नामी औरत है, ये अपने नेबर्स के घर में इसकी काफ़ी अच्छी हेलो हाई होती है और ये क्या करती है कि अपने घर में ही एक हिसाब से नकब लगा लेती है। पड़ोसियों का घर या अपना घर हो तो बात तो एक होती है, दीवार का फ़र्क होता है बीच में। और पड़ोसियों के बारे कहा यह जाता है कि जनाब सबसे पहला जो हक है वो हमसायों का है इंसान के ऊपर। जनाब, अब ये पड़ोसियों के घर जाती है शहनाज नामी बंदी और वहाँ से तकरीबन 20 तोला सोना जो है वो चुरा लेती है हमसायों का। अच्छा, वहाँ से सोना चुरा के उसको सेल करके बकायदा उम्रे पे जाती है, उम्रा अदा करती है और अपनी सेल्फियाँ लेती है, तस्वीरें वगैरह वीडियोस बनाती है और उस पड़ोसन को भी भेजती है कि जनाब ये देखो मैं तो उम्रा कर रही हूँ और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा किया और मैं बड़े मज़े में हूँ और इबादतें कर रही हूँ ये वो ना। अच्छा, अब क्या करती है कि जब उम्रे से वापस आती है तो जिस खातून के जिसकी उसे ज्वेलरी चुरा के उम्रा अदा किया होता है वो बेच के, तो जनाब उसके लिए खजूरें और आबे जमजम का तोहफा भी लेके आती है और उसको वो तोहफा भी देती है कि तुम जनाब ये खजूरें लो, ये तुम्हारे लिए तबरक है, मैं तो सऊदी अरब से तुम्हारे लिए स्पेशली लेके आई हूँ ये वो। तो खातून जो है वो उसको, जाहिर सी बात है 20 तोले ज्वेलरी, और आजकल के दौर में जो है ये ज्वेलरी 20 तोले बहुत मानी रखती है कि जब तकरीबन आलमोस्ट 3 लाख के करीब सोना जो है वो तोले के हिसाब से पहुंचा हुआ है, तो वो औरत बड़ी परेशान होती है। वो कहती है कि ये तो इतने मतलब वेल ऑफ नहीं थे, और क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये शहनाज ना भी बंदी दूसरी हमसाई का देख रही है सारा सिस्टम कि इसकी क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, तो उसको भी तो पता होगा कि ये इसकी इतनी गुंजाइश इतनी पसली इसकी नहीं है, तो ये कैसे उम्रा कर सकती है। अब वो क्या करती है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लियारी की जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करती है इस मामले में। और चूँकि अब इस औरत का ही आना जाना होता है उनके घर पे, तो वो जो है इसके मियाँ को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, और शक के बिना पे जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो इमरान इसके मियाँ का नाम है। पुलिस के पास जब इसको लेके जाया जाता है, वो जाहिर सी बात है पुलिस जब छतरौल करती है तो बड़े बड़ों की जो होश है वो ठिकाने आ जाते हैं। तो उसने फिर जनाब बक पड़ा, उसने कहा कि भाई मेरा इस सारी वारदात में कोई हाथ नहीं है, मेरी बीवी ने इनके घर से जो है 20 तोले सोना चोरी किया है। इमरान इसके मियाँ का नाम है शहनाज के, तो वो कहते भाई मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मेरी बीवी ने चोरी किया है और जो है वो ये बेच के तो वो उम्रा अदा करने गई है। वो फिर जो है पुलिस वो उसको छोड़ के फिर उसकी बीवी को पकड़ते हैं और बीवी से कोई 2-3 तोले सोना और 15 लाख रुपया जो है वो उससे बरामद कराया जाता है और वो कहती है ये ले लेंगे मेरे पास बचा है। तो नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्या इस तरीके से हज उम्रे होते हैं, क्या आपकी इबादतें किसी का हक खा के, किसी का हक मार के, जो है किसी की खून पसीने की कमाई खा के या उजाड़ के, या उसने पता नहीं क्या सोच के अपनी ये ज्वेलरी सेफ की हुई थी, पता नहीं उसने अपने बच्चों की शादियों के ऊपर ये इन्वेस्ट करनी थी या उसने कुछ भी सोचा हो, उसकी चीज़ थी, क्या आप किसी की ऐसी चीज़ चुरा के इबादत में लगा सकते हैं, क्या हज उम्रा कर सकते हैं चोरी के पैसों का, क्या ये कबूल हो जाएगा। इसी तरीके से एक और भी बात आपको मैं बताती हूँ कि एक औरत, ये भी वाकया रिपोर्ट हुआ कि वो जो है किसी के घरों में काम कर कर के, बर्तन धो धो के, कपड़े धो धो के, सफाइयाँ कर कर के, तिनका तिनका करके पैसे जोड़ती है। और उसकी अकीदत देखें आपके, न जाने कितने सालों से वो शुरू हुई होगी कि मैंने एक तिनका तिनका करके पैसे जमा करने हैं और मैंने जो है उम्रा करना है, उम्रे की नीयत से वो पैसे जमा करती है, अपनी तनख्वाहें जमा करती है,
घर में घर भी चलाती होगी और उस घर को चलाने के साथ साथ जनाब वो अपने उम्र के लिए तिनका तिनका जोड़ती होगी, बचाती होगी अपने डेली के बजट में से, अपनी मंथली तनख्वाह में से। वो औरत उम्र करने जाती है या ये जिसने चोरी के पैसों का उम्र किया, अब आप खुद हिसाब लगाएं। बहुत सारी उलमा भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप लोग खुद जो है बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। जो हमारी ऑडियंस है, आप खुद कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि क्या उस औरत का उम्र जिसने मेहनतें कर करके तिनका तिनका जोड़ के उम्र किया, या इस औरत ने जिसने चोरी करके किसी के घर पे नकब लगा के ज़रब लगा के उसने वहाँ से पैसे चुरा के जेवर चोरी करके फिर उसे बेच के उम्र किया, दोनों में से किसका जो उम्र है वो कबूल होगा अल्लाह के हुजूर। तो नाज़रीन ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है कि हम मुसलमान पता नहीं किस नहज पे चल पड़े हैं। हम समझते हैं कि जो है इस तरीके से इबादतें करना, किसी का हक मार के, किसी की दिल आज़ारी करके इस तरीके से हम इबादतें करते हैं या हज उम्र करते हैं तो हमारा कबूल हो जाएगा, तो ये बहुत ही गलत बात है। अल्लाह ताला ने आपकी नीयतें देखनी है, ये नहीं देखना है कि आपने जो है कितनी रिश्वत ली, कितना आपने इसमें हराम डाला और कितनी आपने इसमें चोरियाँ की और फिर आप जाके उम्र करके आई। ये तो फिर एक वही है ना कि आपने अपने माथे के ऊपर स्टैंप लगवा ली कि आप जनाब हाजी हैं और आप उम्र आपने कर ली, आपने हज कर ली है। लेकिन उम्र और हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जान सकती है। तो नाज़रीन ये एक अजीबोगरीब वाकया था, हमने सोचा कि हम अपने नाज़रीन के साथ इसको शेयर करें और उनको बताएं कि खुदारा बेशक हमसायों का बहुत हक होता है दूसरे हमसाये के ऊपर, लेकिन इनसे बच के रहें। कौन आपको कहाँ बैठ के डस ले, कोई कितना आपके करीब हो के आपको ऐसी ज़रब लगाए कि आप उसे जनाब उठा ना जाए बाद में, तो खुदारा अपने आप को बचाएँ, मोहतात रहें, प्यार मोहब्बत करें, हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें, बर्ताव करें, लेकिन उनको इतना भी जो है अपने अंदर इन्वॉल्व मत करें कि उनको पता हो कि आपकी ज्वेलरी जो है खासकर फलानी जगह पे पड़ी हुई है। तो ऐसे जो है अब एक इस औरत ने ऐसा एक वाकया जो है जनाब रूनुमा कर दिया है। अब जो भी इसको कोई देखेगा, कोई तो इसको नेगेटिव लेंगे और कईयों को समझ आएगी कि हाँ ठीक है इसने ऐसे किया तो हम भी ऐसे करेंगे। तो खुदारा अकल को हाथ मारे, ये इस तरीके से ना तो आपकी इबादतें कबूल होती हैं ना आपके हज उमरे कबूल होते हैं। हज उमरा एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें खालिस आपकी जो नीयत है वो देखी जाती है, और अगर आप इतने साहिब हैसियत नहीं है तो आप क्यों हज उमरा करेंगे। अल्लाह पाक ने हज उमरा फ़र्ज तो नहीं किया है, अल्लाह ताला ने कहा है कि हाँ जो साहिब हैसियत है वो करे, जिसकी गुंजाइश नहीं है वो ना करे। तो अपने आप को ऐसे चोरियों में डाल के और जो है अपने आप को दलदल में डाल के गुनाह की और बुरा अपने आप को बना के, तो ऐसी नेकी की तो क्या की।